इन देवी देवताओं के सामने कभी भी न जलाएं गोल बाती का दीपक, ताकि माँ लक्ष्मी कभी भी घर में न रुकें और हमेशा स्वस्थ रहें। बाती के दीपक को जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। निम्नलिखित देवी देवताओं को इस तरह के दीपक का जलाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाने का अद्वितीय महत्व होता है। यहाँ दीपक एक प्रतीक होता है जो आत्मा की प्रकाश और दिव्यता को प्रकट करता है। पूजा के अवसर पर बिना दीपक के जलाए पूजा पूरी मानी नहीं जाती, क्योंकि दीपक आत्मा के अद्वितीयता का प्रतीक होता है और देवी देवताओं को प्रसन्न करने में मदद करता है। जब दीपक जलाते हैं तो आमतौर पर घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बनाई गई बाती का उपयोग किया जाता है। इस दीपक की रोशनी घर में सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करती है और वास्तु दोषों को भी दूर करती है। इससे घर में सुख, शांति और खुशियां बनी रहती हैं। दीपक जलाने के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, लंबी बाती और गोल बाती। इन दोनों बातियों का विशेष महत्व होता है और यह विभिन्न देवी देवताओं के पूजन के समय उपयोग की जाती है। जब देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते हैं तो यह उनके कृपालु आशीर्वाद की ओर प्रकट होने का प्रतीक होता है। शास्त्रों के अनुसार लंबी बाती का दीपक विशेष महत्व रखता है और इसका उपयोग विशेष पूजनों में किया जाता है। इसे आमतौर पर माँ लक्ष्मी, दुर्गा माता, सरस्वती माता और अन्य देवी देवताओं के पूजन के समय जलाने के लिए माना जाता है। इसके साथ ही यदि कुल देवता के पूजन का आयोजन किया जा रहा है तो भी इस प्रकार की बाती का उपयोग करना चाहिए। लंबी बाती को दीपक के रूप में जलाने से घर में धन की वृद्धि होती है और यह सुख समृद्धि, धन संपदा और ऐश्वर्य की वृद्धि को अधिक बढ़ावा देता है। इस प्रकार के दीपक को आमतौर पर आंवला के पेड़ के नीचे जलाने का अनुशासन होता है। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष यह बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की कल्याण होता है। इस प्रकार की पूजा और दीपक जलाने से सुख, समृद्धि और आरामदायक जीवन का आनंद मिलता है। अमावस्या या अन्य विशेष पूजा दिनों पर पितरों की याद में दीपक जलाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है। इस दिन पितृ देवता को श्रद्धा और समर्पण के साथ याद किया जाता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे हमारे जीवन में आशीर्वाद दें। इस संदर्भ में दीपक जलाना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। पितरों की पूजा के समय केवल लंबी बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती को दीपक के रूप में जलाने से पितर असंतुष्ट हो सकते हैं और घर में दरिद्रता और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे समय पर घर में कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी हो सकती है। लंबी बाती का ही उपयोग करके पितरों की पूजा करना उपयुक्त और शुभ होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार पितरों के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो घर के सभी सदस्यों के भलाइया और स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करता है। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक विभिन्न देवताओं के मंदिर में जलाने के लिए शुभ माना जाता है। इसे ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के पूजा समय उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाने का प्राथमिकता होती है। गोल बाती के जलने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।
इसके अलावा पीपल या बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही उपयोग करना शुभ माना जाता है और कभी भी लंबी बाती का उपयोग नहीं करना चाहिए।